नई शुरुआत की है जिसमें मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और जजमेंट भी दे रही हूँ। पहले वो दिन होते थे जब खड़े होकर कमेंट सुनते थे और जजमेंट लेते थे, अभी देने की बारी आई है। तो सोचती हूँ कभी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इतने दिग्गज लोग, सीनियर लोग मेरे सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अन्नू जी बैठे हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। डिफिकल्ट हो रहा है भाई, इतने लोग अच्छे अच्छे परफॉर्म करते हैं, क्या बोले उनके बारे में, मैं तो खड़े होकर हाथ ही जोड़ देती हूँ, लेकिन बहुत मज़ा है। जैमी जो जोनी लीवर जी की बेटी है, जैमी लीवर बहुत अच्छा किया, चीनी मौजूद बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे इंटरनेट के स्टार हैं जिनेशू अमित टंडन, सुपर परफॉर्मर यार, मज़ा आ गया। ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन और स्किट वाले एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा और बहुत अलग होने वाला है। आप सब ऐसे प्यार कीजिए, अपनी सैटरडे संडे एन टी वी पे 9 बजे देखिए। और आज़ादी दिवस आ रहा है भाई, 15 अगस्त, 70 साल हो गए आज़ाद हुए, इतना मज़ा आ रहा है कि कह नहीं सकती। लेकिन मैं कुछ ही दिनों पहले यूट्यूब पे देख रही थी कि कैसी आज़ादी मिली हमको, कि मैं जिन्होंने हमारा देश याद कराया उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग नहीं होते तो हम ऐसे खुल से बात नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी भारतीय नारी को जाके फॉरन में जाके फ्लैग होस्टिंग करें, बहुत बड़ी बात है, मेरे को भी करना है यार। और तब तक वहाँ मुकाम बना लेते हैं कि हम भी करें, और बस आज़ाद है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज़ादी को अच्छे से संभाल के रखिएगा, एवरी सैटरडे संडे गंदा देखिएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एपिसोड एयर हो रहा है एंड बहुत ही मस्ती वाला शो है, मतलब हर एज ग्रुप यू नो ये देख सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग एंड बहुत ही अच्छा शो है। मैंने कॉमेडी नाइट्स बचाव किया था, अब कॉमेडी दंगल कर रही हूँ विद द सेम टीम, वंडरफुल वर्किंग विद ऑप्टी एंड एन टी वी ऑल्सो, पहली बार वो कॉमेडी शो बना रहे हैं एंड इट्स रियली रियली फनी। बचाओ कर चुकी हूँ तो यू नो इट्स थोड़ा सा सिमिलर, हालांकि बचाओ में थोड़ा इंसल्ट ह्यूमर होता था, ये फुली फनी शो है, बहुत मज़ा आता है, लाइक जो भी स्ट्रेस होता है ये है मोहब्बतें में, वो यहाँ पर आकर पूरा कूल डाउन हो जाता है, इट्स लाइक अ सुपर फन शो, एब्सोल्युटली इट्स लाइक थेरेपी यहाँ पर। एक्चुअली बस मैं शूट पर आती हूँ, हंसती हूँ, हंसाती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। हो चुका है, रिएक्शन इतना आउटस्टैंडिंग आ रहा है, मेरा और भारतीय का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आ रहा है, केमिस्ट्री पसंद आ रही है, स्टैंड अप एक्ट्स जो हैं सभी के बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं एक ही अपने अंदाज में कहना चाहता हूं, जो मैं बार बार कहता हूं, कॉमेडी दंगल सबकी ज़िंदगी में लाएगा शुभ मंगल, क्योंकि लोग हंसना चाहते हैं, लोग खुश रहना चाहते हैं और इसमें सब कुछ है, मेरी शायरी है, मैं ऑन द स्पॉट गाने बना लेता हूँ, मस्ती होती है, भारती को जोक मुझ पर मार देती है, मैं उस पर जोक मारता हूँ, दंगल तो चलता रहता है, मस्ती है और मेरा दिल कहता है कि ये बहुत शो पसंद आएगा लोगों को। सब 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 हैरान है कि अनु मलिक कॉमेडी शो में जज कैसे बना है, लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि कॉमेडी जब हमारे सिंगिंग शो होते थे वहाँ भी मेरी शायरी होती थी, मस्ती होती थी, लेकिन किसी ने नोटिस किया कि अनु मलिक ब्रिंग्स अ लॉट ऑन द टेबल, वो सिर्फ जज नहीं करते, वो जज के साथ साथ कोई नई बात लेके आते हैं, एंड अगर आप ये शो आप देखते रहेंगे तो इतनी नई नई चीज़ें की हैं कि आप हैरान हो जाएंगे इसके ऊपर। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे कोई चीज़ डिफिकल्ट लगती नहीं है, मैं समझता हूँ जब काम होता है काम से प्यार करना चाहिए, जब आप काम से प्यार करते हैं हर चीज़ आसान हो जाती है, ये मेरा मानना है, मैंने ज़िंदगी में इसी तरह काम किया है। थैंक यू सर, Old man. Yeah, yesterday. You shot the first day. No, no, no. I shot the second day. Oh, have you seen on the recap? You were on the way. Yeah. So that's why I got late. I'm a last minute traffic. Oh,
रोमांचक था और आई एम वेरी एक्साइटेड. और हम लोगों ने साथ में बैठ के फर्स्ट एपिसोड देखा विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग. तो जिस टाइम पे मतलब इसी टाइम दूसरे दूसरे चैनल में काफ़ी हिट शोज़ है उसमें एक्चुअली आप क्रिटिकली देखते हो जब आपका खुद का शो होता है. और मुझे जेन्युइनली हंसी आ रही थी और मैंने बहुत एंजॉय किया. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दी आगे वाले एपिसोड्स. आज तो मेरा नहीं था बट आगे आने वाला है और विच इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग. मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा कुछ किया स्किट ऑन कॉमेडी और आई एम थ्रिल्ड टू सी माई सेल्फ. इनफैक्ट जो मुझे रिव्यूज़ मिले उस दिन इट वॉज सो नाइस कि मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया. सो दिस शो वुड बी अ न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली फॉर मी. डेफिनेटली इट इज़ लॉट मोर डिफिकल्ट कॉमेडी करना क्योंकि इससे पहले मैंने कॉमेडी डेफिनेटली किया है और सीरियस भी किया है. पर मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी करने में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है जो कि नॉर्मल शोज करने में नहीं लगता है. तो वो स्पेशल एनर्जी के लिए आई विल गिव वन मोर लाइक 10 मोर मार्क्स एक्स्ट्रा. यही कि मुझे लोगों ने डांस करते हुए देखा. भारती ने मुझे बोला एक्चुअली कमिंग फ्रॉम भारती इज़ अ बिग कॉम्प्लीमेंट बिकॉज लोग बोले इट्स ओके मतलब. लेकिन जो कॉमेडी को घोल के पी चुकी है हु हैज़ लिव्ड कॉमेडी इन हर एंटायर करियर. तो जब उसने मुझे बोला कि आप मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा, मैंने तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखा और इस तरीके से स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए पहली बार देखा एंड यू आर आउटस्टैंडिंग. सो आई थिंक एक्चुअली यू हैव टू सी इट टू बिलीव इट. तो शायद तब ऑडियंस भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देंगे. मैं ऐसा क्यों बोलूँ कि लोगों ने मुझे क्या दिया, आप लोग देखिए और प्लीज़ मुझे कॉम्प्लीमेंट दीजिए. थैंक यू. आई एम क्वाइट एक्साइटेड एक्चुअली बिकॉज I am really excited that I am about this comedy Dangal actually, because as an actor I think it was a good decision to do a comedy show because a daily soap karna hai, comedy show karna do alag alag cheeze hain. Aur as a person, as an actor, I think we should just keep exploring ourselves. That's what I'm doing. So yeah, quite excited about that. नो एक्चुअली दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं. तो ऐसे कंपेयर करना कि मैं ज़्यादा इन्जॉय कहाँ करती हूँ बहुत मुश्किल होगा बिकॉज दोनों का जॉनर अलग अलग है और दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. सो आई एन्जॉय बोथ द थिंग्स. नॉट रियली एक्चुअली आपकी टाइमिंग सही होनी चाहिए. आपके पंच डिलीवर करने की जो टाइमिंग है वो अच्छी होनी चाहिए. आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप खुद पर जोक ले सकें. यू नो आई थिंक कॉमेडी आपको गुड स्पिरिट में करनी चाहिए. एंड कॉमेडी यू नो वी सी द कॉमेडियन वो अपने ऊपर इतने सारे जोक्स लेते हैं. सो आई थिंक एज अ पर्सन ऑल्सो यू ग्रो व्हेन यू डू समथिंग लाइक दैट. बहुत अच्छा रहा एंड आई एम वर्किंग विद वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी सीनियर पर्सन लाइक राजेश जी. एंड या आई एम रियली रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. Of course, they all are very happy with my work and they are glad that I'm there in their team. All the best to Comedy Dangal. Thank you. Keep watching. Thank you. हमें चंडन सुपर परफॉर्मर यार मज़ा आ गया.